गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? आखिर ऐसे कैसे सरकार को आफत क्या आ गई है तब सीएम को गिरफ्तार करना है? मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे, तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगे। तो पार्टी के सारे नेताओं को अगर सबको उठा के वो जेल में बंद करेंगे तो ये तो एक आंदोलन है, एक विचार है, वो चलेगा, वहाँ रहेगा वो। तो सुना आपने, आपके इन तमाम नेताओं को इस बात की आशंका है कि केजरीवाल जब ईडी के सवालों का सामना करने ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। आप नेताओं को आशंका ही नहीं, यकीन है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यही वजह है कि देश भर में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं में खलबली है। इसलिए ईडी की पूछताछ से पहले आप नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। इस बात पर चर्चा है कि केजरीवाल नहीं तो कौन संभालेगा दिल्ली के सीएम की गद्दी। पार्टी इसका प्लान तैयार करने में जुटी है कि केजरीवाल जेल गए तो किसकी होगी ताजपोशी। तमाम शंकाओं और आशंकाओं के बीच कुछ खास चेहरे हैं जिन्हें केजरीवाल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो आइए बारी बारी से उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इनमें सबसे पहला नाम है गोपाल राय का। गोपाल राय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े वो नेता हैं जो अन्ना आंदोलन के वक्त के साथ हैं। केजरीवाल के भरोसेमंद साथियों में शुमार किए जाते हैं। दिल्ली और दिल्ली की सियासत की अच्छी समझ रखते हैं। गोपाल राय के बाद इस रेस में जो दूसरा बड़ा नाम है वो आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का है। चर्चा है कि आपके खास चेहरों में शुमार राघव चड्ढा को भी पार्टी ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा की सियासी समझ पर केजरीवाल को भी भरोसा है। आम आदमी पार्टी के महिला नेताओं में आतिशी मार्लिना का नाम खास नेताओं में शुमार किया जाता है। मौजूदा वक्त में मनीष सिसोदिया के विभाग की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही है। महिला चेहरा है तो इन्हें भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और शहादरा से विधायक रामनिवास गोयल का नाम भी केजरीवाल के विकल्प के तौर पर सुर्खियों में है। रामनिवास गोयल 2015 से दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपके इन तमाम नेताओं के बीच एक और नाम सुर्खियों में है जिन्हें केजरीवाल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ये नाम किसी और का नहीं, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे सकते हैं। इस बीच ये पूछे जाने पर कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आगे की रणनीति पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। लेकिन आगे कहा कि अगर पूरी पार्टी जेल में होगी या सारे नेता ही जेल में डाल दिए जाएंगे तो सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।